7.3 क्वेश्चन नंबर 21 20 तक कर चुके हैं हम लोग क्वेश्चन 21 करना है हमें 20 तक हो गए हैं 21 हमें करना है और फिर 21 देखते हैं साइन इनवर्स को ये क्वेश्चन है इसको करना है इंटीग्रेट इसको इंटीग्रेट करना है इसको इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स कोसेक्स को अब इसको इंटीग्रेट करने में ये प्रॉब्लम आ रही है जैसे साइन इनवर्स है और ये कोस है अगर ये साइन होता है तो साइन इनवर्स से साइन को काट देता मैं थोड़ा इजी हो जाता तो अगर ये साइन होता तो हम काट देते और ये साइन तो है नहीं तो इसको साइन बनाया भी जा सकता है 99 हां जो 10th क्लास में फार्मूला था तो इसको साइन बना देते हैं साइन बनाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है एक फार्मूला होता था cos cos x = sin 90 - x बाहर इसके साथ बचेगा कौन वन वन का क्या आएगा अनुज एक्स का क्या आएगा एक्स का इंटीग्रेशन वेरी गुड अभी डिफरेंशिएशन में घूम रहे हो एक पावर बढ़ जाती है और फिर नीचे डिवाइड हो जाता है डिफरेंशिएशन से बाहर आओ उस पद में से उभरो इंटीग्रेशन में आओ ये आ गया इसका आंसर आया समझ में अब इसमें चार क्वेश्चन है तबियत ठीक है आपकी क्लास करने की कमा रहे हो आज तो बताया था मैंने नहीं क्यों नहीं ऐसा हो सकता है मैंने बताया नहीं हो देखो मैं ऐसा कैसे बोल सकते हैं आपकी मैंने नहीं बताया होगा आपको ऐसा मैं कभी करता हूँ मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ मैसेज का पैसे ही पैसे भेजे जा रहे हो पैसे पैसे भेजे जा रहे हो स्क्रीनशॉट लेके क्लास करने आ नहीं रहे देखो इसने मुझसे पूछा सर टुडे इज मैथ्स क्लास और नोट तो मैंने यस ना लिखा हो नीचे देखो तो मैंने क्लास के लिए तो बताया ना क्लास है टाइमिंग तो गलत हो सकती है वो मैंने टाइमिंग की बात नहीं की मैंने कहा बताया नहीं बताया बताया मैंने टाइमिंग तो इसकी गलत है 3:14 पे ये मुझसे पूछ रहा है तो टाइमिंग तुम्हारी गलत है और पूछने की अब जैसे मैंने फोन रख रखा है जेब में अब इसको क्लास के बाद ही तो देखूंगा बार बार फोन देखता रहूंगा तो हम फिर कैसे चलेगा पढ़े कैसे अब ये साइलेंट पे रहता है अब इसने जो मैसेज भेजा है वो इतने वैसे टाइम पे भेजा है वो बहुत क्रिटिकल टाइम होता है 3 से 4:45 तक मैं सो जाता हूँ फोन साइलेंट करके फिर फोन को डेब में डाल के क्लास लेने आ जाता हूँ 4 बजे से क्लास लेनी शुरू कर देता हूँ कोई फोन ऐसे ऐसे तुमने देखा मैं ऐसे देखता रहता हूँ फोन निकाल के फिर रख देता हूँ जेब में तो वो बजता रहता है बेल आती है कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तो उठाता हूँ मैसेज के तो रैप मैसेज तो खोलता ही नहीं हूँ और मैसेज पे तो वो लगा रखा है व्हाट्सएप पे तो टाइम का नहीं टाइम का वो लगा दिया वो तो नोटिफिकेशन तो ऑफ है ही टाइम का और लगा दिया क्योंकि व्हाट्सएप दिन में ऐसे ही चलेगा उसको आधे आधे घंटे का लगा है वो कम पड़ गया फिर अब उसको 45 मिनट का कराया मैंने तो वो व्हाट्सएप अपने आप बंद हो जाता है फिर खुलता ही नहीं वो कर दिया इसमें टाइम लिमिट लगा दी क्योंकि उसको खोल लो उसको देखते रहो स्टेटस देखते रहो लोग बाग बैठे हैं फ्री स्टेटस डालने के लिए तुम देख के खत्म हो फिर ऊपर से आ जाओ देखते हुए तब तक फोन नहीं आ जाते हैं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है इसलिए मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाया आपने मैसेज गलत टाइम पे डाला अगर मैं 3 बजे से पहले डाल देते तो बता देता पर मैसेज डालने की जरूरत क्या आई क्लास का तो टाइम
क्लास अगर नहीं होगी उसका मैसेज तुम पे आएगा, और ऐसे छोटे मोटे आंधी तूफानों में, छोटी मोटी बारिश बूंदाबांदी में क्लास में लेने आ जाता हूँ यहाँ पे। ये भी आई थी, जैसे थोड़ी बहुत बारिश है तो उससे ये मतलब नहीं है, हमारे यहाँ पे छाता है हमारे पास, हम छाता लगा के आ जाते हैं, तो आप भी आ सकते हैं, ऐसी कोई डरने की जरूरत नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जी तो डेली एक नदी पूरी पार करके तैर के तब पढ़ने जाते थे डेली, और फिर आते थे पार करके। आप छोटी छोटी बारिशों से डर जाते हो। देखो क्लास का कैंसिल होने का मैसेज आ जाएगा तुम्हारे पास अगर नहीं होगी तो। अगर मैसेज नहीं आया, चाहे बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, ये पूरा बह जाए यहां से, मैं यही क्लास लेता मिलूंगा तुम्हें, तो बोर्ड पकड़े हुए पानी में भी पकड़ लेना, पंखा पकड़ के टेंशन। क्लास होगी जरूर अनुज, चलो कोई बात। अब मैं चार टाइप बता दूं आपको, अनुज होगी बात क्लियर? रिप्लाई करा था मैंने, ठीक है, लेट करा था मैंने, बाद में देखा मैसेज आपका, फोन कर लेते, अभी इतना वीआईपी कहां हूं मैं कि मैं फोन नहीं उठाता। तुमने भी उसी टाइम पे किया था, अभी दिखा दूंगा फोन। ये क्वेश्चन है जो इन्होंने दे रखा है बुक में, इसके इसका एक इसके तीन भाई हो रहे हैं इस क्वेश्चन के, एक तो इन्होंने दे रखा है, पेपर में तीनों में से भी कोई भी आ सकता है। तीन भाई कौन है यहाँ पे, कोर्स कोर्स है, ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, साइन दिया तो क्वेश्चन ही तो लिखा है, समझ क्या नहीं आया तुम्हें, कॉपी पेन ले लो। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बुक में दे रखा है कोर्स कोर्स, ये क्वेश्चन के साइन साइन भी हो सकता है, और ये नीचे है, ऊपर होते तो हम टू मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते इसमें, इसमें ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा रिमेंबरिंग बेस्ड क्वेश्चन है, यहां पे साइन कोर्स भी होता है, नहीं ये सी साइन कोर्स नहीं होगा, और यहां पे कोर्स एक्स माइनस है साइन एक्स माइनस बी भी होगा। ये चार क्वेश्चन बन सकते हैं, दो की टेक्निक सेम है, इन दो की टेक्निक सेम है करने की, करेंगे कैसे बता देता हूँ, थोड़ा सा रिमेम्बरिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए तब ये क्वेश्चन होगा, ध्यान से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर है ये 22 है बुक का। इसमें रिमेम्बरिंग बेस ये है, इस क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई करनी है, चीज से किससे मल्टीप्लाई करनी है हमें, यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करना है साइन बी माइनस ए से, और इसको बैलेंस करने के लिए कॉन्स्टेंट है साइन बी माइनस ए, यहाँ पे लिख दिया हमने इसको काटने के लिए, ठीक है ये बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन में भी साइन बी माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, इस वाले पार्ट में जब सेम सेम होंगे, साइन साइन कोस कोस सेम सेम बस ये इस क्वेश्चन का सबसे मुश्किल काम यही था कि साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई करना है, ये आपको पता होना चाहिए पहले से, ये रिमेम्बरिंग बेस्ड क्वेश्चन है, आपको आपको रिमेम्बर बस, अब तो हो जाएगा क्वेश्चन, अब कुछ भी नहीं है इसमें, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे कोस बी माइनस ए, जब डिफरेंट डिफरेंट होंगे ना साइन कोस या कोस साइन, तो कोस बी माइनस ए सबसे मुश्किल काम यही है क्वेश्चन का। तो अब देखो कर आगे कैसे करेंगे, ये तो ऐसे चलता रहेगा, अब इसमें एक मॉडिफिकेशन और करेंगे, जो साइन है इस बी माइनस ए में, यहां पे दो में एक एक्स ऐड करूंगा, एक एक्स माइनस करूंगा अपने आप से, तो इस x के साथ a ले लूंगा, तो यहाँ लिखूंगा x माइनस a, ठीक है, और यहाँ माइनस का साइन लगाऊंगा, और यहाँ पे लिखूंगा x माइनस b। अब देखो इसको खोलो, x माइनस a ब्रैकेट खोलो, माइनस x प्लस b
एक्स एक्स बढ़ जाएगा तो बचेगा क्या, प्लस का बी और माइनस का ए, प्लस का बी और माइनस का ए, ये एक्स इसके साथ ले लिया और ये इसके साथ ले लिया, बी माइनस को मान लिया, बस ये लिखना है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। अब क्वेश्चन हो गया ये, नीचे सेम। अब एक फॉर्मूला बताओ मुझे कोस साइन एक्स माइनस वाई का, साइन एक्स माइनस वाई, साइन साइन एक्स माइनस वाई बता दो मुझे, बताओगे बताओ। साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, एक फॉर्मूले की नोटबुक बनाई है आप लोगों ने, आप देने वाले थे नोटबुक तो तुम्हें खुद ही लेनी पड़ेगी, आज भेज दूंगा फोटो उनका, उसमें लिख लेना है फॉर्मूले सारे, प्रिंट आउट नहीं मैं भेजूंगा फोटो खींचे हुए उसके, फोटो फॉर्मूला के वो उस कॉपी में अपने हाथ से अपने पेन से उस कॉपी में अपनी कॉपी में लिख लेने हैं अपने हाथ से अलग, जैसे इसमें क्वेश्चन लिख दो उसमें अलग, वो फॉर्मूले की एक बन जाएगी, 15-20 फॉर्मूले होंगे, 15-20 फॉर्मूले होंगे वो आपको पहले इस बार तो अपने वैसे पीडीएफ तैयार की थी, आपको खुद अपने हाथ से लिख के रखने हैं कॉपी में, एक कॉपी ले लो पतली सी 30-40-50 पेजों जिसमें सारे फॉर्मूले एक जगह लिखो तो फिर रिवीजन में हेल्प मिल जाती है, ठीक है। हाँ जैसे फॉर्मूला है अभी पूछा आपसे आप लोगों को पाई नहीं रहा है फॉर्मूला है तो कॉपी में पाएंगे सारे फॉर्मूले, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ इसमें साइन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, यहाँ पे एक्स तो ये है और वाई ये है तो क्या आएगा, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस दोनों के नीचे है पूरी लाइन के नीचे, तो इनको दोनों को अलग अलग एलसीएम ओपन कर रहा हूँ, तो बनाना था मुझे इसीलिए तो सब कुछ कर रहे थे हम लोग, देखो ये कटा ये कटा ये भी ये इंटीग्रेशन किसका बनेगा, टेन एक्स माइनस ए का टेन एक्स माइनस बी का, टेन का क्या होता है बता देगा कोई, टेन का होता है सही बता रहे हैं लॉग, ये तो एक्स नहीं है मान लेंगे तो सेक लॉग सेक एक्स माइनस ए, इसका तो बनाएगा तो वन के डिवाइड करेंगे तो फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, और ये लॉग सेक एक्स माइनस बी इसका आंसर आ जाएगा, एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, उसको लिख सकते हैं लॉग एक्स अपॉन वाई, यस सर याद है log x upon y को log x minus log y, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ log sec x sec x minus a upon sec x minus b, और ये यहाँ पे वन अपॉन sin b, यहाँ से भी अब जहां जहां समझ नहीं आया मुझे बता दो दोबारा बता, ये log x minus log y y भी लिख सकते हैं लोग, एक बार लोग सेक्स अपॉन y, इसको लिख लो 22 को सेम इसी तरह से, इसको करो सेम इसी तरह से, ठीक है, इसको खुद से करके देखो, 5 मिनट देता हूं आपको, इसको लिखो और इसको खुद से लिखो और इसको करो खुद से, अब ये साइन एक्स माइनस एक्स माइनस बी वाला कर रहे हो ना, यहाँ पे कोस की जगह साइन हो जाएगा, कौन सा वाला बता रहा हूँ, कोस की जगह साइन आ जाएगा, हाँ नीचे कोस की जगह दोनों कोस की जगह साइन होगा, तो अब यहाँ पे साइन कटेगा इसमें, ये साइन
साइन साइन, तो यहाँ पे साइन एक्स माइनस भी कटेगा और यहाँ पे साइन एक्स माइनस है, तो कोस अपॉन साइन क्या होगा, यहाँ पे होगा कोट एक्स माइनस बी, यहाँ पे होगा कोट एक्स माइनस, बस ये तो बनना था कोट एक्स माइनस है, कोट का क्या होता है लोग लोग साइन एक्स, लोग साइन एक्स यहाँ पे आगे लोग साइन एक्स, यहाँ पे आएगा साइन एक्स माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है कोट का सीधा, और यहाँ पे आएगा लोग साइन एक्स माइनस, बस ये हो गया, यहाँ पे इस टैक्स की जगह साइन आ जाएगा एक्स माइनस बी ऊपर साइन एक्स माइनस बी, और यहाँ पे साइन एक्स माइनस, तो इस तरह से क्वेश्चन को चेंज कर, अभी देखो साइन एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस बी का कैसे करेंगे, हमें समझ में आ गया आपको ये वाला दूसरे वाला कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है कोट में, चेंज हो गया, अब इसको समझ लो थर्ड वाले को फोर्थ वाला आप बड़े आराम से उसी से कर दोगे इसी तरह से, वो बिल्कुल से इसमें है लिखेंगे इसमें भी, अब इसमें दूसरे वाले में एक आया साइन और एक आया कोस, एक आया साइन एक आया कोस, अब इस वाले में रिमेम्बरिंग ये रखना है इसमें कोस बी माइनस ए से करना, जब डिफरेंट होंगे कोस साइन होंगे तो कोस बी माइनस ए से करना है, सेम सेम में साइन से करना है, एस फोर सेम एस फोर साइन, तो यहाँ पे कोस बी माइनस ए से करना, नीचे भी और ऊपर भी कोस बी माइनस ए से मल्टीप्लाई कट जाएंगे, तो यहाँ पे कोस बी माइनस ए, अब इसके लिए आपको कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाँ कोस एक्स कोस वाई साइन एक्स साइन वाई, ये कोस वाला क्या करता है उल्टे उल्टे साइन लेता है, जैसे माइनस का है तो प्लस लेता है, बीच में प्लस लेता है, जैसे आप माइनस वाले में प्लस तो प्लस वाले में माइनस लेता है, ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, देखो इसका बनेगा कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी माइनस साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, दोनों के नीचे अलग अलग एलसीएम ओपन कर देता हूं, यहाँ पे चलता रहेगा कोस एक्स माइनस बी कोट एक्स माइनस ए बन जाएगा, यहाँ पे साइन कोस लिख दिया यहाँ पे कटेगा साइन एक्स माइनस ए, यहाँ पे कटेगा ये बचेगा कोट कोट एक्स माइनस एक्स माइनस ए डी एक्स, इसका अलग कर देते हैं, और यहाँ पे बचेगा टेन एक्स माइनस बी, इसके इस कोट का क्या होता है लोग साइन एक्स माइनस ए, और इसका होता है लोग सेक एक्स की जगह पे एक्स माइनस बी, हाँ ये तो है सेम प्रोसीजर है, बस ये रिमेंबर रखना है, बस इसको आप ऐसे लिख सकते हैं लॉग साइन अपॉन सेक एक्स माइनस बी, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई को यहाँ पे इसके नीचे लिख सकते हो सेक एक्स माइनस बी, फिर बंद हो जाएगा और ये यहाँ से कट ये हट जाएगा, ये इसका आंसर करते हैं ऐसे ही इसका आ जाएगा।
लिखना है, लिख लो तो सही कह रहे हो। इसके ना यहाँ पे ये जो फॉर्मूले में प्लस था यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे प्लस लगा दे, प्लस लगा दिया तो प्लस में ये नीचे नहीं जाता, प्लस में कहाँ जाता है बराबर में। जैसे log x प्लस log y होता है, log x इंटू वाई, तो ये sec जो होगा sec x माइनस b इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, sin इंटू sec x माइनस b डिवाइड, माइनस में डिवाइड में जाता है, प्लस में मल्टीप्लाई में जाता है। लिख लिया बेटा ये, हटा दे आएगा बेटा समझ में, ऐसे गुस्सा होके मत जाओ। अच्छा पानी पीने जा रहे हो, मैंने सोचा नहीं आ रहा समझ, जा रही नहीं समझ। इसमें 23 में एलसीएम ओपन कर दो, क्वेश्चन है साइन स्क्वायर है माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन, एलसीएम ओपन कर दो आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ओपन कर दो एलसीएम, इसके नीचे लिख दो इसको माइनस, इसके नीचे लिख दो इसको ये कटेगा साइन से साइन, ये क्या बोलेगा सेक्स स्क्वायर, साइन तो कट गया ना पूरा, और ये कोसेक्स स्क्वायर, कोसेक्स स्क्वायर ये डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं। हाँ सेक्स स्क्वायर एक्स किसका आता है, और कोसेक्स स्क्वायर एक्स कोटेक्स, हाँ माइनस कोटेक्स का आता है कोट का माइनस कोसेक आता है, तो माइनस कोसेक स्क्वायर का कोट आएगा, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे कोटेक्स प्लस सी, ये इसका आंसर। हाँ इस तरह का पहले भी गया एलसीएम ओपन करने वाला, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, टेन एक्स प्लस कोट एक्स प्लस सी, ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स, अपॉन कोस स्क्वायर ई की पावर एक्स डॉट एक्स, ये सब्स्टिट्यूशन से होगा, लेट करो ई की पावर एक्स डॉट एक्स इक्वल टू डी, फिर डिवाइड एस करो दोनों तरफ, ई की पावर एक्स पे प्रोडक्ट लगाया, ई की पावर एक्स एज इट इज एक्स का वन प्लस एक्स एज इट इज ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स डी टी वाई, यहां से ई की पावर एक्स कॉमन ले लो ऊपर, अंदर क्या बचेगा वन प्लस एक्स को ले लो, अब ऊपर पुट कर दो और अब आपका आंसर आ जाएगा, अब इसको और इसको ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए, यहां तो यहां पे पुट करेंगे तो ये बनेगा e की पावर x dx, ये क्या बन जाएगा पूरा
वही क्या बनेगा, वन अपॉन कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर टी, वन अपॉन कोस स्क्वायर का कैसे करेंगे, टैग स्क्वायर कर लेंगे इसको, तो टैग स्क्वायर का कैसे करेंगे, टैन टी, टैन टी प्लस टी, टैन स्क्वायर का टैन होता है, बस आ गया आंसर, टैन टी की जगह रिप्लेस करो, तो लेट क्या टी के पावर एक्स फोर प्लस टी। इसमें आगे प्लेन तो ऐसे हो गया, दो एक्सरसाइज के बाद इसमें थर्ड एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब इसमें मैं आपको नौ फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ, जो नौ अब फॉर्मूले इंटीग्रेशन के अब शुरू हुए। अब से पहले हमने कोई इंटीग्रेशन का नया फॉर्मूला नहीं देखा, सारे फॉर्मूले डिफरेंशिएशन को उल्टा करके आए हैं, बस केवल चार फॉर्मूलों को छोड़ के। कौन से हैं वो चार, टैन का, कोट का, सेक का और कोसेक का। अभी चार फॉर्मूले कुल पड़े हैं अपने इंटीग्रेशन के। और अब मैं जो नौ फॉर्मूले बताने जा रहा हूं, अब ये डायरेक्ट फॉर्मूले आपको बताऊंगा नौ, और एक्सरसाइज होंगी इस पे दो, दो एक्सरसाइज खत्म होंगी इन नौ फॉर्मूले से। नए फॉर्मूला है कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला में क्वेश्चन है, मुश्किल काम इन फॉर्मूले को रिमेंबर रखना ही है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। कैसे हैं फॉर्मूले, फॉर्मूले कुछ ऐसे हैं, जैसे कि पहला वाला लिखूंगा इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि डिवाइड कुछ नहीं होता ना, नीचे आ गया अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेकेंड है इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाँ ऊपर बने कुछ फोर हुआ तो बाहर भेज देंगे, कॉन्स्टेंट होगा तो ऊपर वन के ऊपर जो भी कुछ ऊपर नीचे होगा वो भी देखेंगे क्वेश्चन में, ये फॉर्मूले की फॉर्म में लेके आएंगे क्वेश्चन को और उससे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तीन तो ये हैं, तीन है रूट वाले, तीन में लग रहा है रूट, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के ऊपर रूट लगा दिया, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के ऊपर रूट लगा दिया, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट लगा दिया। इनको बता देता हूं, ये तीन ये चार पांच, ये जो फॉर्मूला है ये इनमें से एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, अगर इस फॉर्मूले में ए को वन ले लूंगा ए को तो क्या बनेगा, वन प्लस किसका होता है टेन इनवर्स का, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर आता है, तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का आएगा tan इनवर्स, अगर a को 1 दे दिया तो। इन तीन फॉर्मूले में जिनमें रूट नहीं है एक में तो tan इनवर्स x आएगा। इसमें देखो एक फॉर्मूला sin इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है, इसमें a को अगर 1 रखो तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा, वो 1 माइनस x स्क्वायर वाला, ये साइन इनवर्स आई। ए को अगर वन ले लें तो जो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स आना चाहिए। तो इन छह फॉर्मूले में एक में टेन इनवर्स आएगा और रूट वाले में साइन इनवर्स, ठीक है। और जो बचे हुए हैं अब चारों, उनमें चारों लॉग वाले, लॉग 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 चारों में लोग आएगा, ठीक है, पहले समझ लो फिर लिख लेना, याद कैसे रखने हैं। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में यहां पे इसमें इसमें रूट आया है, रूट 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 का मतलब क्या होता है, वन बाय टू। इस फॉर्मूले में वन बाय टू आ चुका है एक बार, इन फॉर्मूले में रूट था नहीं। तो वन बाय टू इनमें नहीं था, तो हमें वन बाय टू लेना है। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, इनके सामने वन अपॉन टू ए हो रहा है,
इनफॉर्मूलेटिव, इनके सामने 1/2 है, किसी के भी सामने नहीं आता, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है इसका, इसके आगे अब इस वाले को पहले कंप्लीट कर दूं, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाए, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या होगा, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, तो ये यहां पे लिखना है एक्स माइनस ए, उसके नीचे लिखना है एक्स प्लस, और ये मोड में लगाया प्लस बी, ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, ये वाला समझे, रूट नहीं था तो 1/2 लेना है, लोग आ नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर का एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है, इसको समझो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, ये एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, यहाँ पे भी एक्स है तो एक्स यहाँ पे हीरो है इस मूवी का, क्योंकि ये उसके रेस्पेक्ट में सब कुछ चल रहा है, हीरो को मूवी में नेगेटिव रोल कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, बाद में मिलते हैं, पहले हीरो को पॉजिटिव रोल मिलता है, तो इसका आएगा क्या, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, तो आपको यहाँ पे हीरो को पहले पॉजिटिव रोल देना है, एक्स के सामने क्या होगा, प्लस होगा पहले, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस, माइनस रोल बाद में देना है, हीरो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रोल इस वाले में तो हीरो पहले ही था, दोनों पॉजिटिव रोल थे, इसमें साइन का डिफरेंस देख रहे हैं, साइन का प्लस माइनस की गलती होती है इन फॉर्मूले में, कैसे याद रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में ए प्लस एक्स ऊपर रखना है, क्योंकि हीरो है, हीरो पहले प्लस पॉजिटिव रोल देना है, प्लस सी, ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वन लिया था ए को, तो टेन इनवर्स एक्स बना था, ए को मैं यहाँ पे अगर ए ले लेता हूँ तो एक्स के नीचे ए आ टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए लिखना है इसके नीचे, ठीक है, यहाँ पे भी 1/2 आना चाहिए इस हिसाब से, रूट नहीं है, यहाँ पे 1/2 ए आता है, टू नहीं आता, टू क्यों नहीं आया, याद कैसे रखेंगे, इसमें तो दो टर्म बन गई थी ना, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, दो बन गई थी, इसमें भी दो बन गई थी, दो बन गई थी तो दो आ गया, इसमें दो नहीं बने, बीच में माइनस नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का थोड़ी बनता है फॉर्मूला, तो इसमें दो नहीं बनेगी, तो यहाँ दो भी नहीं आएगा इस फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप कुछ कुछ इनको याद रख सकते हैं, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, कुछ कुछ ऐसे ऐसे याद रख सकते हैं आप। अब इन पे आ जाओ, यहाँ पे रूट तो है 1/2 तो है, तो यहाँ पे इनके सामने 1/2 है या 1/2 कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 1/2 आ चुका है सभी पर, यहाँ पे वो ए को वन के लिए लिखा था, तो अगर ए को ए ही मानो तो एक्स के नीचे ए भी बनेगा, जैसे यहाँ टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए करा था, वहां पे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए करना है, ये फॉर्मूला सही है, ठीक है। इसके बाद ये जो फॉर्मूले दोनों लोग तो आना ही है, चार में लोग आएगा, एक में टेन आएगा, एक में साइन आएगा, और चारों में लोग लगेगा, दो लोग के सामने 1/2 ए 1/2 आएगा, दो के सामने नहीं आएगा, अब इसको ये फॉर्मूले कैसे करेंगे, इसमें जो लोग के सामने जो की जाएगी वो क्या आएगी, एक्स प्लस, दोनों में एक्स प्लस करना, ठीक है, प्लस क्या करना है, प्लस वही करना है जो यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इस तरह से कुछ कुछ आप इनको लिंक कर रखे, मैंने बताया ऐसे आप याद रख सकते हैं, अगर रखना चाहें तो आपके पास और कोई अच्छी टेक्निक होगा आप उससे याद रखें, मेन चीज है फॉर्मूला आपको रिमेम्बर होना चाहिए, ये हो गए फॉर्मूले छह, ये छह फॉर्मूले रिमेम्बर रखने ही पड़ेंगे आप, बहुत जगह यूज आएगा इनका, चैप्टर 9 में इन फॉर्मूलों का यूज आएगा, चैप्टर 8 में इन फॉर्मूलों का यूज आएगा, 8 वाला चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, यही फॉर्मूले यूज होंगे इंटीग्रेशन 9 में यूज आएगा। अब तीन फॉर्मूले और बताता हूँ, फॉर्मूला नंबर 7 सबसे इंटीग्रेशन के सबसे बड़े फॉर्मूले हैं जो अब बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन में इससे बड़ा फॉर्मूला नहीं है साइज में, ये फॉर्मूला है, अगर ये ऊपर चला गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऊपर होता अगर ये, तो फिर तो सीधा सीधा हो जाता एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाता, अब लेकिन ये सारे ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा, अगर ये ऊपर चला गया रूट वाला फिर दिक्कत बनेगी होने में, तो वो वही वाले फॉर्मूले है, अगर रूट ऊपर चला रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 8 है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस वो नीचे वाले के हैं डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमिनेटर में, रूट ए स्क्वायर माइनस रूट का वन बाय टू लिख सकते,
वन बाई टू लिख सकते हैं, फिर वन बाई टू को हम सॉल्व कर लेंगे, प्लस प्लस वन करके सोल्व कर लेती आप, अगर ये लीनियर एक्सप्रेशन होता ये क्वाड्रेटिक आ गया, वो लीनियर में तो कर लेते हैं प्लस वन करके, लेकिन एक्स की पावर टू आ गया ना, फिर वो टेक्निक नहीं लगेगी। ये तीन फॉर्मूले देखिए, अगर ये तीन फॉर्मूले याद है तो इन तीनों को याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये तीनों इसी में यूज होंगे। ये फॉर्मूले, ये सारे तीनों फॉर्मूले में सबसे पहले फॉर्मूला शुरू होता है एक्स बाई टू से, तीनों फॉर्मूले। ये मैं याद करने का टेक्निक बता रहा हूँ छोटी सी, कि आप इस तरह से इनको याद रख सकते हैं थोड़ा थोड़ा। एक्स वाई टू से तीनों शुरू हुए, कि एक्स वाई टू के साथ एक टर्म आएगी वो क्या होगी, वो यही होगी जो फॉर्मूला है एक्स वाई टू रूट स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वही चीजें यहाँ पे। इसके बाद, इसके बाद इन सभी फॉर्मूला में ए स्क्वायर बाय टू आए, ए स्क्वायर बाय टू, ठीक है। इसके सामने साइन आएगा तो प्लस आएगा या माइनस, इसके सामने भी इसके सामने भी, कौन बताएगा प्लस आएगा या माइनस, किसके सामने आ रहा है, ए स्क्वायर के सामने। तो ए स्क्वायर, यहां से ए स्क्वायर के सामने जो साइन आ रहा है, सबसे सही कौन बता सकता है, वो ए स्क्वायर ही बता सकता है, तो सामने से दिख रहा है। एक बार से पूछो क्या साइन लेना है, प्लस लेना है माइनस, एक बार खुद बताएगा। आप इधर आओ थोड़ा सा, एक बार के सामने कैसे साइन है प्लस का, तो एक बार खुद बताएगा यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे एक बार के सामने कैसे साइन है माइनस, यहाँ पे एक बार की इधर की साइड देखना, कभी इधर की साइड देख लो, तो यहाँ पे जो साइन आएगा इनके बीच में वो एक बार खुद बताएगा इधर फॉर्मूले इधर से देख के। इसके बाद यहाँ पे क्या दिखना है इनमें, इनके बाद यहाँ पे ये फॉर्मूले लिखने हैं जो ये वाले हैं, वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला था, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए, वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला था, लॉग एक्स प्लस रूट, ये फॉर्मूला यहां से चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद क्या लेंगे, एक कौन सा इंटीग्रेशन पढ़ रहा है, इंटीग्रेशन के दो टाइप में, डेफिनेट और एक इंडेफिनेट, हम इंडेफिनेट पढ़ रहे हैं। इंडेफिनेट में लास्ट में क्या लेते हैं, प्लस सी, ये खत्म हो गया, ठीक है। इसमें भी प्लस, इस फॉर्मूले में देखो ए स्क्वायर वन अपॉन एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन, और एक चीज और लिखेंगे प्लस सी, अब खत्म हो गया। ये नौ फॉर्मूले हैं, इनके बेसिस पे ये मुश्किल काम है जो बोर्ड पे भी लिखा हुआ है आपका, ये इनको रिमेम्बर रखना, नो फॉर्मूले बन गए हैं, इनको आप रिमेम्बर कैसे रखना है वो आप देख लो, क्वेश्चन इन्हीं पे डायरेक्ट इन पे बेसिस पे क्वेश्चन होंगे सोल्व। मैंने तो बता दिया ऐसे ऐसे, आप इनको याद रख सकते हैं, और कोई आपको कोई आसान तरीका लगे तो मुझे बता देना, अगली बार बच्चों को बता देना। जब भी क्वेश्चन करते हैं बार बार फॉर्मूले को लिखो, बार बार फॉर्मूला लिखने से दिमाग में आ जाएगा। मेरे मैं क्यों नहीं बोला, मैं एक साल नहीं, पिछली बार तो सितंबर में हो गया था ये चैप्टर, सितंबर में हो जाता था जनरली, अब चल रहा है जनवरी, तो मैं डेढ़ साल बाद लिख रहा हूँ इन फॉर्मूले को, मैंने देखा नहीं बुक में, खुद से लिखे ईमानदारी से, देखो बुक में क्या खुला हुआ है, तो मैं कैसे याद रख पाया इनको डेढ़ साल तक। बस दो मिनट सर, प्रैक्टिस नहीं, इसको आप बार बार जब लिखेंगे क्वेश्चनों के साथ, मैं इनको बार बार लिखता आ रहा हूँ फॉर्मूलो को, क्योंकि मैं इनको फॉर्मूलो को बार बार लिखता हूँ हर साल, तो मेरे माइंड में फिक्स हो गए, ऐसे आप बार बार लिखोगे तो आपके दिमाग में गया, पता नहीं सर, अच्छा मंडे को, अच्छा तो उसे बताना पड़ेगा बच्चों को, तो यही है जी, आपको खुद से लिखने पड़ेंगे तभी याद होंगे। हाँ जी जब खुद से करोगे तभी आएगा क्वेश्चन आपका, आपको खुद से ही करना पड़ेगा। मैंने एक सीरियल में देखा है, से अनुपमा आ रहा था, अनुपमा गाड़ी चलानी सीख रही थी, उसके लड़के ने कहा कि मम्मा आप, मैं आपको बचपन से देखता हूँ खाना बनाते हुए,
आप खाना बनाती हैं, पर मुझे तो नहीं आया खाना बनाना कभी भी, मुझे पता है आप ऐसे डालती हैं डालती हैं डालती हैं आटा ऐसे लगता है, पता तो उसे सब है पर वो बना नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने कभी खुद से नहीं बनाया। आपको समझ में तो आता है क्वेश्चन जब मैं करता हूँ? जब आप उनको खुद से करोगे तो आप अटक सकते हो, आपको खुद से करने पड़ेंगे। अनुपमा गाड़ी सीख रही थी चलानी, तो उसके लड़के ने पूछा था कि मुझे खाना बनाना क्यों नहीं आया, उसकी अनुपमा ने कहा कि बेटा वो तो खुद कसे करने से आता है। तो उसने अपनी मम्मी कहा, मम्मी कार चलाने से ही आएगी, चलाओ इसको। वो डर रही थी कार चलाते हुए, खुद से चलाने से, खुद से ही क्वेश्चन सोल्व करोगे, खुद से ही फॉर्मूले को बार बार लिखोगे तो आ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। और दिमाग में अगर एक बार बैठ गया तो फिर वो बैठा रहेगा दिमाग में। इसीलिए तो बैठाना है उसको, खड़ा रहा और फिर तो चल कर निकल गया दिमाग से, फिर निकल जाएगा। और बैठा कर उसको बांध और तो कुर्सी से, फिर जा ही ना पाए, दिमाग से निकल के गई। और आगे आप लोग तो समझदार है, अपने हिसाब से देख लेना। इन नौ फॉर्मूले पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। द मेन थिंग इज इन नौ फॉर्मूलों को आप कम से कम घर पे, अगर काजल बिजी शेड्यूल से टाइम मिल जाए तो नौ फॉर्मूलों को नौ बार लिखना। और जब आप देखोगे ना इनको, जब आप एक बार लिखोगे तो आपको देखना पड़ेगा, दूसरी बार में आपको कम देखना पड़ेगा, तीसरी बार में और कम, चौथी बार में और कम, पांचवी बार में जब आप लिखेंगे खुद से, तो जरूरी नहीं है कि आप लिख दें, फिर भी देखना पड़ सकता है। लेकिन जब छठी बार आप लिखेंगे, छठी बार जब इन फॉर्मूलों को लिख रही होंगी, और इट टेक्स 15 से 20 मिनट लगेंगे नौ बार लिखने में इनको, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब आप छठी बार लिख रही होंगी तब आप इसमें से कम 6 फॉर्मूले खुद से लिख पाएंगे। जब आप सातवीं बार लिख रही होंगी तब आप इसमें से कम 7 फॉर्मूले लिख पाएंगे बिना देखे। जब आप आठवीं बार लिख रही होंगी तो आपको पीछे देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा जरूरी नहीं है, आपको फिर भी देखना पड़ सकता है पीछे बाई चांस। लेकिन जब आप नौवीं बार इसको लिखेंगी तो होपफुली आप सारे फॉर्मूले लिख पा रही होंगी खुद से। अगर नौवीं बार में भी आप सही से नहीं लिख पाई काजल, तो फिर नौ बार फिर लिख लेना, फिर 15 मिनट लगेंगे, तब तक लिखते जाओ जब तक आना जाए, ठीक है। बुक में भी लिखे हुए हैं, सब जगह लिखे हुए हैं आप, और इनके इनके बेस्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आप 9 बार तो लिख के लाना, मैं देखूंगा कल और नेक्स्ट क्लास में तब क्वेश्चन शुरू करेंगे, तो क्वेश्चन में आपको बार बार इसको आ जाएगा माइंड फॉर्मूला। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन, इस पे कम से कम 50 से 80 क्वेश्चन इन फॉर्मूलों पे है इस चैप्टर में। 333 क्वेश्चन है इस चैप्टर में एनसीईआरटी के, जिसमें से तुम आप लोगों ने मुझसे अभी क्वेश्चन करवा लिए 24 और 39, कितने हो गए ऐड करना, 24 और 39 और 22, 24, 39 और 22, 63 क्वेश्चन मैंने सारे के सारे बोर्ड पे सोल्व किए हैं। 22 और ऐड करो 85 मैंने सारे के सारे बोर्ड पे करे हैं, और कुछ स्पेशल टाइप भी बताया, कम से कम 100 क्वेश्चन करा लिए मुझसे तो बोर्ड पे आप लोगों ने। एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, आप लोग भी इन क्वेश्चनों को दोबारा से करो, ये क्वेश्चन बहुत डेंजरस है, समझ में आ जाएंगे खुद से नहीं होंगे। चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं।